गुड मॉर्निंग गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने कनिष्क के बारे में पढ़ा, जिसके राज्यारोहण की तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद था और अंत में यही हुआ कि 78 ईस्वी को ही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि माना गया, क्योंकि कनिष्क के द्वारा ही 78 का शक संवत आरंभ किया गया था और दो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए थे उसमें भी 78 ईस्वी को ही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि स्वीकार माना गया था। ठीक है, इसके पश्चात हम लोगों ने कनिष्क के राज्यारोहण के बारे में पढ़ा और कनिष्क की हम लोग विजयों के बारे में पढ़ रहे थे कि कनिष्क एक महान योद्धा, महान विजेता था और उसने किस तरह पाठ्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और किस तरह उसने चीन की राजकुमारी के साथ चीनी साम्राज्य में अपना और चीनी साम्राज्य में समानता स्थापित करने के लिए चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन युद्ध करना पड़ा और कनिष्क ने चीन को एक कर देना, वार्षिक कर देना स्वीकार किया, लेकिन हिंसा के वर्णन से स्पष्ट होता है कि कनिष्क ने अपने पराजय का बदला ले लिया था। इसके पश्चात हम लोगों ने रोम साम्राज्य के साथ संबंध पढ़े कि रोम साम्राज्य और कनिष्क के साम्राज्य में अच्छी मित्रता थी और दोनों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध थे। दोनों ने एक दूसरे की राजसभाओं में अपना अपना एक दूत भी भेजा हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज कनिष्क की साके और पाटलिपुत्र की विजय। देखिए, बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कनिष्क ने सबसे पहले साकेत को जीता। साकेत को जीतने के पश्चात कनिष्क ने क्या किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को विजय किया और पाटलिपुत्र से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशवघोष को अपनी राजधानी पेशावर ले आया। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशवघोष को अपनी राजधानी पेशावर ले आया और जिसके प्रभाव से बौद्ध विद्वान था अशवघोष और इसके प्रभाव से ही कनिष्क पूर्ण रूप से क्या हो गया था, बोध हो गया था। ठीक है, इसने पूर्ण रूप से बोध हो गया। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, कश्मीर को जीता। कनिष्क ने क्या किया, कश्मीर को जीता और कनिष्क ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ पर कश्मीर में कनिष्क ने अपने ही नाम पर कनिष्कपुर नगर की स्थापना भी की और यही वो कश्मीर था जहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इससे पहले जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चार बौद्ध संगीतियां हुई थी और ये जो चौथी बौद्ध संगीति थी कश्मीर के कुंडलवन गांव में, ये कनिष्क के द्वारा ही संपन्न करवाई गई थी। तो कनिष्क ने कश्मीर को जीता और यहाँ पर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की और यहीं पर उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कनिष्क की विजय अभियान के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़े रहे हैं, हम जाने कि कनिष्क का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो कनिष्क के जितने भी सिक्के मिले हैं और जो भी अभिलेख मिले हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों से मिले हैं, उसके आधार पर हम कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानते हैं कि जो कनिष्क का साम्राज्य था वो पश्चिम में खुरासान से लेकर पूर्व में बिहार तक, ठीक है, और उत्तर में काशगढ़ से लेकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत था। ठीक है, और हम लोगों ने जब चीन के बारे में पढ़ा था कनिष्क और चीन के संबंधों में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चीनी सेनापति पांचाओं ने काशगढ़ को जीता था। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि काशगढ़ कनिष्क के साम्राज्य में था, इससे स्पष्ट होता है कि इसने चीन से ये साम्राज्य छीन लिया होगा। ठीक है, तो कनिष्क का जो साम्राज्य था पश्चिम में खुरासान, पूर्व में बिहार, उत्तर में काशगढ़ और दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कनिष्क की उपाधि। देखिए, कनिष्क ने
देव पुत्र की उपाधि धारण की थी। कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सम्राट ने देव पुत्र मतलब देवताओं का पुत्र, देव पुत्र की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने ही देव पुत्र की उपाधि धारण की थी। और उस समय जो रोमन सम्राट थे, रोम के साथ इसके संबंध अच्छे थे, तो इसने रोमन सम्राट की तरह केसर की उपाधि भी धारण की थी। मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ रोमन सम्राट से केसर की उपाधि। तो इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की और रोमन सम्राट की तरह केसर की उपाधि भी इसी ने ही धारण की थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कनिष्क की साकेत और पाटलिपुत्र की विजय, जिससे हमें पता चलता है कि इसने पाटलिपुत्र को जीता और पाटलिपुत्र में जो बौद्ध विद्वान था अशवघोष, हाँ, इसको ये अपने साथ अपनी राजधानी पेशावर ले आया और इसके ही प्रभाव से कनिष्क क्या हो गया था, पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। ठीक है, बोध हो गया। इसके बोध होने का जो सब प्रबल प्रमाण मिलता है वो है कश्मीर को इसने जीता और कनिष्क नगर की स्थापना की और कश्मीर में ही इसने चौथी बोध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, और फिर हम लोगों ने इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा, पश्चिम में खुरासन, पूर्व में बिहार और उत्तर में काशगर और दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। ठीक है, और इसने देवपुत्र और रोमन सम्राट की तरह केसर की उपाधि धारण की थी। अब बात आती है कनिष्क की राजधानी के बारे में। तो कनिष्क के जो राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पेशावर कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी। कनिष्क के साम्राज्य की दो राजधानियां थी, पहली पेशावर थी और कनिष्क ने अपने साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, मथुरा को इसने अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, देखिए अगर हम अब कनिष्क की बात कर रहे हैं तो कनिष्क के हम पढ़ेंगे आज साम्राज्य प्रबंध, शासन प्रबंध के बारे में। ठीक है, देखिए यही नहीं है कि कनिष्क ने विजय ही की। ठीक है, और ये एक महान विजेता तो था ही था और महान विजेता होने के साथ साथ ये एक अच्छा प्रशासन प्रबंधक भी था। इसने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि उसे सुव्यवस्थित शासन प्रबंध भी प्रदान किया। ठीक है, और इसने एक क्षत्रिय शासन व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, एक क्षत्रिय मतलब एक ही राजा, एक समय में एक ही राजा गद्दी पर बैठेगा, एक क्षत्रपीय शासन व्यवस्था को इसने लागू किया। जैसे कि हम लोगों ने चष्टन वंश में पढ़ा था कि चष्टन और रुद्रदामन दोनों एक साथ शासन कर रहे थे। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस द्वै शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, चष्टन वंश इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। लेकिन ये जो कुषाण साम्राज्य था, इसका जो शासक था कनिष्क, इसने एक क्षत्रपीय शासन व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, और ये क्या था, एक निरंकुश शासक था, राजतंत्र था, राजा था, निरंकुश था, लेकिन निरंकुश होते हुए भी ये हमेशा ही अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। इसकी जो रुचि थी अपनी प्रजा के ही भलाई में और प्रजा के ही वात्सल्य के लिए ही इसने कार्य किए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज कनिष्क के बारे में कुछ जानकारी ली। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क के धर्म के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना कि अशवघोष के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बोध हो गया, उसने बोध संगीति भी करवाई, तो उसका जो धर्म था और कनिष्क की जो धार्मिक उपलब्धियां थी उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।